49 का वर्गमूल कितना होता है अभी हम निकालना सीखेंगे। बच्चों वर्गमूल को हम कैसे लिखते हैं, अंडर रूट चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, ये आप जानते हैं। यहाँ पर हम अपना कौन सा मेथड काम में लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, दी गई संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना होगा। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्याएं। सर्वप्रथम जैसे इसमें हम 2 का भाग देते हैं 49 में, कितनी 2 आ गया, कितना गया 4, माइनस किया 0 आ गया, 9 को यहाँ लेके आ गए, 4, 2, 8 माइनस किया 1 आ रहा। देखिए सेंसफुल 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, 49 आपका 2 से विभाज्य नहीं है। सिमिलरली 3 का भाग दिया, 3 से भी नहीं है, 5 का भाग दिया, 5 से नहीं है, लेकिन 49 आपका 7 से विभाज्य। देखिए 7 का भाग देते हैं, 7 बार जाता है, 7 में 7 इकतना होता है 49 होता है, माइनस किया 0 आ गया, यानी 49 आपका 7 से विभाज्य। भाग कितनी बार गया, 7 बार, फिर 7 में 7 का भाग आपका 1 बार, तो 49 के हमारे पास फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 7 × 7 आ गया। हमें क्या चाहिए इसका वर्गमूल, बिल्कुल सिंपल है, 2 समान संख्या का जोड़ा और इसमें से एक बार इसको किया, कितना आ गया आपका 7 आ गया। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है।